अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वक्त मैं आपको 3 साल की बच्ची के लिए एक कॉटन का काफ्तान बनाकर दिखा रही हूँ। इतना ही आसान काफ्तान है। इसके लिए मैंने फैब्रिक अलग से कटिंग करके रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई फैब्रिक की मैंने 26 इंच ली है और इसको मैंने डबल किया हुआ है। इसकी चौड़ाई है असल में ये 18 इंच रखी है, जो कि मैं लेंथ बना रही हूँ। इस कपड़े को मैंने आड़ा रखा हुआ है और जिस तरह से है ये कपड़ा, मैं उसी तरह से इस पीस से अभी काफ्तान बनाकर दिखाऊंगी 3 साल की बच्ची के लिए। इसकी लेंथ मैंने 18 और जो चौड़ाई है वो 26 रखी है टोटल। अब मैं सबसे पहले इस पे इसकी नेक कटिंग करूंगी। जैसे कि मैंने बताया ये इंतहाई आसान है, इसमें कटिंग बहुत कम है इस काफ्तान में। ये बिगनर्स भी आसानी से इसको कटिंग करके बना सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल हाफ इंचेस पर मैंने इसकी कटिंग की है, ये फ्रंट बैक की नेक की। अब इसी के ऊपर मैं फ्रंट साइड की नेक कटिंग करूँगी। इसमें मैं कॉलर लगाऊंगी, आगे फ्रंट साइड पर बटन पट्टी होगी। अब आप ये देखिए, ये 2 इंच की मैं मज़ीद और कटिंग करूँगी, तो ये 2.5 या 2.5 इंच की कटिंग हो जाएगी फ्रंट की। अब आप ये देख सकते हैं कि इसको जो मैं शेप दे रही हूँ, कॉलर के लिए हम ऐसी शेप देते हैं जो ना बिल्कुल राउंड शेप होती है ना ही बिल्कुल वी होती है, थोड़ी सी कर्व शेप में ये वी होता है। ये कॉलर के लिए मैंने नेक कटिंग की है, इस पर मैं कॉलर लगाऊंगी और ये आगे मैं बटन पट्टी के लिए ओपन कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड है और इस तरह के हम टॉप काफ्तान बहुत थोड़े से मामूली कपड़े में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 26 इंच मैंने चौड़ाई ली है, 1 मीटर से भी इसमें कम कपड़ा है। 36 इंच का एक गज़ होता है, 39 इंच का 1 मीटर होता है। अभी मैंने इसके साथ एक और डॉट्स रखा हुआ है वाइट कलर में, इस पर रेड डॉट्स है। इसके लिए मैं फ्रंट की पट्टी, बटन पट्टी और कॉलर बनाऊंगी। इस कट पट्टी को मैंने डबल किया हुआ है, ये हाफ 1.5 इंच है और जो पूरी पट्टी है ये 3 इंच की है। जब ये तैयार होगी तो ये 1 इंच की पट्टी रह जाएगी डबल होने के बाद। अब ये देखिए, मैंने ये दरमियान में इस तरह से ये पट्टी को फिट करना है दोनों साइड। अब मैंने इसकी कॉलर का साइज़ लेना है, जो मैंने नेक कटिंग की हुई है, तो आप ये देख सकते हैं ये तकरीबन 12 इंच का साइज़ है, लेकिन मैं कॉलर का साइज़ जो है वो 13 इंच लूँगी। ये कटिंग के बाद सिलाई करते हैं तो फिर वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। अब मैं 13 इंच पर कटिंग करूँगी, कॉलर की चौड़ाई निकाल रही हूँ मैं। ये कॉलर की लेंथ है, सॉरी। अब मैंने इसमें कोई बुकरम वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा रही हूँ, कॉटन थोड़ी सी हार्ड होती है। अब आप ये देखिए, मैंने ये 3 इंच का कॉलर रखना है और इसकी मैं 3 तहें मैंने इसलिए रखी हैं कि एक ऊपर की तह है, एक नीचे की है और एक ही इसी की तह में लाइनिंग में लगाऊंगी। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम लाइनिंग में कोई और कॉटन भी लगा सकते हैं। कॉलर में लाइनिंग लगाने से ये है कि कॉलर थोड़ी सी खड़ी रहती है, ज़्यादा नर्म नहीं होती। अब इन्हीं 3 तहों को बराबर करने के बाद मैं हल्का सा इसमें कर्व दूंगी। ये कर्व वाला हिस्सा जो है वो नेक के साथ जुड़ेगा। तकरीबन मैंने 1/2 इंच का कर्व दिया है और बिल्कुल ही सीधी कॉलर है ये, इसमें मज़ीद मैंने और कुछ भी नहीं किया है। और ये सेंटर का मैं एक कट लगा रही हूँ, जब हम कॉलर को लगाते हैं ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। अब आप ये देख सकते हैं इसकी 3 तहें हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये बटन पट्टी जो है, ये 2 पट्टियाँ मैंने लगानी है, एक दाएं एक बाएं। और लगाने के बाद ये जो मैंने कॉलर के लिए पीस कटिंग की है, इनको तैयार करने के बाद मैंने कॉलर को इस तरह से लगाना है। ये देखिए बैक साइड से ये बिल्कुल हाफ होता है,
लेकिन फ्रंट साइड से ये पूरा खुल जाता है, तो इसकी एक कॉलर की शेप आ जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सा मैं कॉलर लगा रही हूँ ताकि ये बिगनर्स भी आसानी के साथ इस तरह के काफ्तान को तैयार कर सकें। इसकी कटिंग और सिलाई इंतहाई आसान है, लेकिन इसमें एक स्टाइल है, आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये काफ़ी स्टाइलिश है। ये कटिंग इसकी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए कि मैं बिल्कुल इसका सेंटर बनाने के बाद ये निशान लगाऊंगी। ये आखिर में जब ये मेरा काफ्तान बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो ये मैंने साइड फिटिंग करनी है, ऊपर से ही करनी है। आमतौर पे हम कुर्तियों में उल्टी साइड पर साइड फिटिंग करते हैं, लेकिन काफ्तान की हम ऊपर से सिलाई करते हैं। अब आप ये देखिए मैं 6.5 पर मैंने इसका आर्म होल रख रही हूँ, और ये दरमियान से मैं चौड़ाई 6.5 ली है, यानी कि मैं इसकी टोटल चौड़ाई जो है 13 इंच रखूँगी, और नीचे से मैं 6 इंच पर एक लाइन लगा रही हूँ। ये दोनों साइड पर बिल्कुल इतनी ही लाइन मैंने लगाकर और इसकी फिटिंग करनी है। आखिर में मैं इसको आयरन की मदद से इन लाइन्स को पक्का कर लूँगी। ये मैंने एक साइड पर निशान लगाया, इसी निशान पर मैंने इसको आयरन करना है, और इसी तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर आयरन करना है, और इस साइड से भी मैंने फोल्ड करने के बाद यहाँ से भी आयरन कर लेंगे। और जब हमारे आयरन के निशान लग जाते हैं, हम उन्हीं निशान पर इसकी फिटिंग करते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने दरमियान में से एक सिंपल कटिंग करके मैंने इसके दो पीस किए थे, अब मैं तकरीबन इसको 1/2 इंच और मज़ीद कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने 1 इंच की पट्टी लगानी है, अगर मैं ये कटिंग नहीं करती हूँ तो ये पट्टी जो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फ्रंट पीस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये 1 इंच की पट्टी होगी, मैंने 1/2 इंच इसमें से कटिंग कर दिया, और 1/2 इंच और मज़ीद सिलाई में चला जाएगा, तो ये 1 इंच कम हो जाएगा पट्टी के लिए। ये देखें पट्टी तकरीबन 1 इंच रहेगी। अभी देखें ये मैंने 1/2 पट्टी मैंने ये कटिंग कर दी है, और 1/2 सिलाई में आने के बाद ये बिल्कुल इसके साथ बैलेंस हो जाएगी पट्टियाँ। इसी कटिंग जैसे कि आपने देखा बिल्कुल आसान थी, इसी तरह इसकी सिलाई भी बिल्कुल आसान है। अब मैं जहाँ से मैंने ये बटन पट्टी लगानी है वहाँ से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। मैं चारों तरफ इसकी लेस लगाऊँगी, ये बारीक लेस लिए मैंने, कॉटन चिकन लेस है, और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पूरे काफ्तान पर लगा लूँगी। जब ये हमारा कॉर्नर आता है तो इस जगह हमने लेस को थोड़ा सा और इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब हम हमारा कॉर्नर बने तो इसमें खिंचाव पैदा ना हो। देखिए मैंने थोड़ा सा ना इसको अपनी लेस को थोड़ा सा अंदर की साइड इकट्ठा किया है कॉर्नर वाली जगह से, और जब ये तैयार हो जाएगा तो इस तरह से हम पलट कर एक सिलाई और मज़ीद कर लेंगे। ये लेस मैंने इसके चारों तरफ लगानी है, बटन पट्टी से शुरू करके बटन पट्टी तक ख़त्म करना है। अब ये मेरी पूरी लेस लग गई है, मैंने आपको कंप्लीट नहीं दिखाया, थोड़ा सा पीस लगा कर दिखाया था। अब इसी तरह इसकी ऊपर से हम सिलाई करने के बाद इसको जमा देते हैं। ये कॉटन की लेस है, इसके धागे वगैरह नहीं निकलते, इसलिए हमें अंदर की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसकी मुड़ाई की है। और ये बारीक लेस है इसलिए मैंने कॉर्नर नहीं बनाया है। अगर हम इसकी जगह पर अगर चौड़ी लेस लगाते तो उसके हमें बाकायदा कॉर्नर भी बनाने पड़ते हैं। और आप देखें ये बिल्कुल सिंपल तरीके से, देखा आपने कॉर्नर पर मैंने थोड़ी सी लेस इकट्ठी कर दी थी, तो इसलिए इसमें खिंचाव नहीं आ रहा है। अब ये बटन पट्टी जो बटन पट्टी का जो हिस्सा है, यहाँ से मैं इस पट्टी को लगाना शुरू करूँगी। ये मैं नीचे की साइड पर रखकर पट्टी इस तरह से लगा रही हूँ, और मैं ऊपर की तरफ इसको आखिर में पलट दूँगी। ये दूसरी साइड की पट्टी भी मैं एक ही दफ़ा में लगाऊँगी। ये मैंने सीधी साइड रखी है इसकी काफ्तान की, और पट्टी को भी मैंने सीधा नीचे की साइड पर रखा है। ये यहाँ पर आकर ही मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके नीचे से सिरे सी रही हूँ। ये नीचे से ये पट्टी को हमने इस तरह से मुड़ाई करना होता है। आप ये देखें मैंने अंदर की साइड से भी इसको फोल्ड कर दिया है, और उल्टी साइड पर मैं इसको सीने के बाद इसको पलट दूँगी।
अब इसको देखें, मैंने इसको पलट लिया पट्टी को अंदर की साइड से सीने के बाद, इस तरह इसके सिरे भी अंदर की तरफ चले गए। अब ये मैंने दोनों नीचे की पट्टियाँ सी ली हैं। अब ये ऊपर नेक वाली साइड की पट्टी है जहाँ पर ये पट्टी ख़त्म हो रही थी, इसका फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया। अभी ऊपर से फोल्डिंग में आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको फोल्ड करते हुए, अब इस पर मैंने पूरी सिलाई नहीं करनी है, ऊपर से मैंने हाफ सिलाई करनी है, हाफ पट्टी को सिलाई करना है। और यहाँ से भी मैं इसको हाफ पट्टी को सिलाई करूँगी। अब यहाँ पर हम पट्टी को पलटने से पहले यहाँ पे कट लगा लेते हैं जहाँ तक मैंने सिलाई की है। जब हमें कॉलर लगानी होती है तो हम हाफ पट्टी को सिलाई करते हैं, हाफ को नहीं करते हैं। अगर हमें कॉलर से कॉलर का सिरा इस तरह से मिलाना होता है। अब दूसरी साइड भी मैं हाफ में ये कट लगा रही हूँ, तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब पट्टी को पलटने के बाद ये कट लगाने की वजह से ये ऊपर का कपड़ा ऊपर की साइड आ गया। अब मुझे कॉलर लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये पट्टी के ऊपर के नीचे के दोनों के सिरे इस तरह से मिल गए हैं। अब मैं ऊपर की सिलाई कर रही हूँ इसमें। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई चेक बुकरम या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सिया है मैंने। और इस तरह जब हम पट्टी लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें नीचे का कपड़ा खींच के रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब हम पट्टियों के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो ये अक्सर ऊपर के कपड़े जो हैं ये बढ़ जाता है, हमारे ऊपर की पट्टी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम नीचे का हिस्सा इसको खींच कर रखते हैं, इसको थोड़ा सा ही मेरा ढीला हो गया था, इसको मैंने दोबारा उधेड़ने के बाद इसको पट्टी को मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। और हम ये नीचे से खींचते हुए फिर ऊपर की पट्टी को ढीला ढीला रखते हुए जब हम सिलाई करते हैं तो फिर हमारी ये पट्टी पूरी आती है। ये इस तरह से ये हमारी पट्टी पूरी हो जाती है। ये दूसरी साइड की पट्टी को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूंगी। इस काफ्तान को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सी रही हूँ क्योंकि ये कॉटन में बनाया है, लेकिन अगर हम ये इसको लॉन में या बारीक कपड़े पर बनाते हैं तो हमें इसमें चित बुकरम का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कॉटन में थोड़ा सा कलफ होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें लाइनिंग में ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आसानी से सी सकते हैं। अब मैं इसमें आपको कॉलर लगा कर दिखाती हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग की है। एक पीस मैंने लाइनिंग का अंदर की तरफ रखा है और दूसरे पीस को मैं इसी तरह से इसके साथ सी रही हूँ। इस कॉलर को इसी तरह हम एंड तक सीते हैं। आपने देखा है मैं दरमियान में कट लगाया हुआ है ताकि इसका सेंटर ख़राब ना हो, हमें देखना होता है। मैंने नेक पर भी कट लगाया हुआ है सेंटर बनाकर बैक साइड पर, और कॉलर पर भी कट लगाया है ताकि ये हम अंदाज़ा कर सकें कि हमारा पूरा आ रहा है। अब देखें कॉलर मेरी थोड़े का हिस्सा थोड़ा सा सिलाई का मैंने बढ़ा कर लिया है, ये मेरा बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है।
इसमें हम चाहें तो पहले से कॉलर तैयार करने के बाद भी फिट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें कभी ऐसा होता है कि कॉलर हमारी कम पड़ जाती है या बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर हम ये सिरे जो हैं आखिर में एंड पर सीते हैं तो इस तरह के मसाइल हमें नहीं होते। अब मैं इसकी सिलाई साइड की सिलाई अब करूँगी, तो इसमें जितना हमारा अगर बढ़ भी जाता है तो हम इसको मज़ीद कटिंग कर सकते हैं। अब साइड की कॉलर की सिलाई मैं अब कर रही हूँ। मैंने पहले तो कॉलर तैयार नहीं किया था, पहले मैंने इसको कॉलर की एक साइड को जोड़ा है नेक के साथ और उसके बाद मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ। तो सिलाई करने से हमें इसमें नीटनेस आती है, तो ये जितना है मैंने उतना पूरा पूरा सिलाई किया है इसको। ये देखें इसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद, अब मैं दूसरी साइड की सिलाई भी इसी तरह से कर लूँगी बराबर करके। अब मैं इस कॉलर को पलट लूँगी। अब देखिए मैंने इसमें कॉलर में भी कोई सख्त चीज़ नहीं दी है क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं उलझते हैं इस तरह की चीज़ों से कि हमें बच्चों के फैब्रिक को जो हम बनाते हैं कपड़े, तो उनको हमें सॉफ्ट रखना होता है और ख़ास तौर पे समर के कपड़े में इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो इतने हार्ड ना हो कि बच्चों को पहनने में मुश्किल पेश आए। अब ये सिंपली मैं इसको कॉलर की सिलाई करूँगी। इसमें भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि मशीन अक्सर ऊपर का कपड़ा बढ़ाती है, इसलिए हमें नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच कर रखना चाहिए और ऊपर के कपड़े को थोड़ा सा ढीला रखना चाहिए ताकि हमारा ये कॉलर जो है वो पूरा आ जाए एंड पर, वरना अक्सर ऐसा होता है कि कॉलर का ऊपर के जो हिस्सा होता है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ये अक्सर बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो फिर इसमें खूबसूरती नहीं आती और उसके सिरे जो हैं वो बदनुमा लगते हैं। अब आप ये देखें मैं नीचे से खींचते हुए, थोड़ा थोड़ा खींचते हुए और ऊपर का ढीला रखते हुए जब मैं सिलाई कर रही हूँ तो बिल्कुल मेरा एंड पर जाकर ये पूरा पूरा आ रहा है। कॉलर बनाने में अक्सर इस तरह के मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा होते हैं, तो ये कॉलर्स हमारी अक्सर बाहर की तरफ बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है नीचे से हम कपड़े को जब हम खींच के रखते हैं ऊपर के कपड़े को ढीला रखते हैं तो ये हमारी कॉलर बिल्कुल पूरी आती है। एंड पर जो कॉलर के ऊपर के सिरे हैं वो मैं अब सिलाई कर रही हूँ ताकि ये दबे रहें और कॉलर में नीटनेस आए। इसको सेंटर में लाके मैंने ख़त्म किया है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से शुरू करते हुए सेंटर में लाकर ख़त्म कर दूंगी क्योंकि फ्रंट साइड हमारी सबसे ज़्यादा नुमाया होती है ताकि वहाँ पे नीटनेस बरकरार रहे। ये काफ्तान तकरीबन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने सिर्फ ये साइड की सिलाई करनी है। जैसे कि मैंने बताया आमतौर पे हम हर कुर्ती को अंदर की साइड से सिलाई करते हैं, लेकिन काफ्तान की सिलाई हमेशा ऊपर की साइड से होती है। इसको हमें सिर्फ साइड की फिटिंग देनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मैं 6.5 पर इसका आर्म होल रख रही हूँ। 6.5 के बाद मैंने निशान लगाया और दरमियान से भी मैंने 6.5 का सेंटर बनाया है क्योंकि मैंने 13 इंच की सेंटर की चौड़ाई रखनी है, इसलिए ये सेंटर जो है मैंने ये 6.5 लिए। जितना हम बच्चों की चेस्ट रखते हैं उसी हिसाब से हमें इसकी दरमियान की सेंटर बना के हाफ हाफ तरीके से चौड़ाई रखनी चाहिए। और ये लाइन भी मैंने 6 इंच की देनी है। इस पर मैंने आयरन किया हुआ है, आयरन का निशान ज़्यादा वाजे है जो कि इसमें नुमाया नहीं हो रहा है। दूसरी साइड भी मैंने आयरन का निशान लगाया हुआ है। डबल करने के बाद जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, अब ये इस तरह से ये काफ्तान जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ काज बटन रह गए जो कि इसे अभी ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए मैंने ऊपर का आर्म होल छोड़ने के बाद किस तरह से इसकी सिलाई की हुई है।
और ये इंतहाई आसान काफ्तान है, इसमें कटिंग भी आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, और ये पहनने के बाद काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लगता है। और आप ये देखिए मैंने कितनी आसानी से बिल्कुल सिंपल कॉलर लगाई थी, और ये कितनी नीट तरीके से लगी है कॉलर, जो कि पहनने में भी आसान है, सहूलत है और ख़ूबसूरत लगेगा। अब आप ये देख सकते हैं ये मेरा कफ्तान जो है बिल्कुल तैयार है। ये मैंने 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है, इसमें 1 मीटर से भी कम कपड़ा लगा हुआ है। अब आप ये देखें जब ये पहनने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, शोल्डर के ऊपर से ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से गिरेगा, और गिरते हुए इसमें चुने आएंगी। अब मैं आपको सीधा करके ये दिखाती हूँ, असल इसकी शेप ये वाली है, लेकिन पहनने के बाद थोड़ी सी शेप मुख्तलिफ लगेगी। ये इसमें कॉलर भी मैंने लगाई हुई, देखें साइड की सिलाई ने आर्म होल 6.5 पर लगाया था, दरमियान की चौड़ाई 13 इंच रखी है, हाफ 6.5, और ये 6-6 इंच की मैंने 2 लाइनें लगाई हैं यहाँ तक फिटिंग के लिए। और ये अंदर से इस तरह से ये बिल्कुल फ्री है दोनों साइड्स, और जब ये हम पहनेंगे पहनाएंगे बच्चे को, तो पहनाने के बाद ये ऊपर की साइड से इस तरह से ढलकता रहेगा, और नीचे की साइड भी हल्के हल्के कॉर्नर बनेंगे इसी तरह से। और ये काफ़ी स्टाइलिश है, और इसको पहनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसे हम ट्राउज़र पर, जीन्स पर या टाइट पर भी हम बआसानी पहना सकते हैं। इसमें मैंने 3 फ्लावर भी लगाए हैं, बंच लगाया है मैंने, उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।